मैं अंदर ही बैठा हूँ, कुछ काम हो तो बता देना। हाँ ठीक है ठीक है। सालियाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे नहीं पापा, परेशान नहीं हूँ, काम का ऐसे ही थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है। सुनिए थोड़ा नाश्ता लगवा देते, दो मिनट बैठो ना, आता हूँ। हाँ नहीं नहीं ऐसे ही एक आदमी था। हाँ वो मैं देखता हूँ। गजब बेइज्जती है, दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार कराता है। आने दो, देखते हैं। कुर्सी बाहर लगवाइए, नाश्ता बाहर बैठ के करेंगे। बाहर कुर्सी आने में इतना समय लग रहा है। इस साल आएगी, अगले साल आएगी। लो आ गई। आओ रुक 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 रु। क्या है? तो पांच ही मिठाई है, हमारे भी पांच ही है। पांच ही तो स्कूल का जन्मासा में जो पैकेट बट रहा था सब में सात सात पीस मिठाई था, हमारे में पांच ही है। चांदी की बरखे वाला मेन मिठाई का आया है। आप लोग रुको, मैं दो मिनट में आया। फिर से दो मिनट यार। अरे परमेश्वर जी, मुझे थोड़ी पता था बराती के पैकेट अलग है और घराती के अलग। मुझे भंडार में जो दिखा मैं उठा लाया। अरे नहीं 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 मैं नहीं आ रहा, आप किसी के हाथ भिजवा दो ना, कोई तो होगा। ठीक है और जल्दी भिजवाओ वरना ये लोग मुंह लटका के बैठ जाएंगे, दूल्हा और उसके दोस्त लोग और कौन। मतलब गजब खराब व्यवस्था है यार। नहीं बस बात हुई है, वो दूसरे वाले डब्बे भिजवा रहे हैं, थोड़ी देर बस वेट करो यार। अभिषेक जी, इंतजार अगर करवाना ही था कम से कम ढंग का कुर्सी तो दे सकते थे ना बैठने के लिए। यार हम अंदर देखे थे, मस्त चक्का वाला कुर्सी इनके पास। जब आपके पास अंदर बढ़िया वाला कुर्सी है तो फिर दूल्हा को बैठने के लिए प्लास्टिक का कुर्सी काहे के लिए दिया? मजाक कर रहा है क्या यहाँ पे? क्या ये चल रहा है और का? कमलेश पन्नी फाड़ दे। अरे पन्नी मत हटाना उसको। क्या मतलब पन्नी मत फाड़ना? दिक्कत हो रही है बैठ रहे में। क्या दिक्कत हो रहा है? फिर वही बात, अरे आवाज कर रहा है चर 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 वो। अरे क्या हो गया, चर चर कर रहा है तो? पन्नी मत फाड़, समझ में नहीं आ रहा कोई बात बोल रहा हूँ तुझे? परेशान कर रखा है, बारात का सामान नहीं है पर्सनल सामान है, फाड़ना ही तो दहेज में जो मिल रहा है उसकी पन्नी हटाना। क्या बोल के गया ये? एस होल बोला है कुछ मोबाइल में, मतलब दे। क्या क्या एस होल मतलब गांड का छेद। पापा को बुलाओ।